गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं का हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में व्याकरण, और व्याकरण में पढ़ेंगे आज हम छंद। तो छंद क्या होता है देखते हैं। छंद का अर्थ होता है बंधना या बंधन। परिभाषा है छंद की कि छंद का शब्दार्थ है बंधन, और वर्ण मात्रा गति यति तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। किससे? वर्ण मात्रा गति तुक यति आदि जो नियम है उनसे नियोजित जो रचना छंद कहलाती है। ये सब क्या है? वर्ण मात्रा गति यति यह सब छंद के अंग है। देखते हैं छंद के अंग। पहला है वर्ण, फिर है मात्रा, यति, गति, तुक, चरण आदि, ये सब छंद के अंग है। तो पहला है वर्ण। वर्ण अक्षर को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्ण अक्षर को कहते हैं। और ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है लघु और दूसरा है दीर्घ। दो वर्ण होते हैं, पहला है लघु जिसको ह्रस्व बोलते हैं, दूसरा है दीर्घ जिसको गुरु कहा जाता है। बोलने में बहुत कम समय लगता है। जो लघु वर्ण होते हैं, लघु अक्षर होते हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे क, उ, नि, ह आदि, क्योंकि ये वर्ण क्या है? लघु मतलब छोटे होते हैं, इसलिए उनको उच्चारण में या बोलने में उनको समय कम लगता है। और लघु दीर्घ या गुरु वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे तू, आ आदि। इनमें मात्राएं होती हैं और ये बड़े अक्षर होते हैं, इसलिए इनको बोलने और उच्चारण में समय अधिक लगता है। फिर है छंद का दूसरा अंग मात्रा। तो वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा भी दो प्रकार की होती है, लघु और दीर्घ। लघु वर्ण की मात्रा एक और दीर्घ वर्ण की मात्रा दो होती है। लघु का चिन्ह और दीर्घ का चिन्ह होता है। लघु का चिन्ह होता है एक ऐसा, और दीर्घ का चिन्ह होता है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान। मतलब इसमें दो मात्राएं, जब आगे अपन पढ़ेंगे तो लघु में एक मात्रा का जुड़ती है और दीर्घ में दो मात्राएं जुड़ती है। फिर है यति। विराम या रुकने को यति कहते हैं। कि छंद पढ़ते समय जहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं वह यति कहलाता है। इसके संकेत के लिए विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। फिर है चौथा अंक चरण या पाद। छंद के एक भाग को चरण या पाद कहते हैं, और प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या निश्चित होती है, जैसे चार पद, छह पद आदि। फिर है पांचवा अंग छंद तुक। छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग की समान ध्वनि तुक कहलाती है। छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग की ध्वनि तुक कहलाती है। ये थे हमारे छंद के अंग। अब है छंद के भेद। तो छंद के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं छंद के? दो भेद होते हैं। पहला है वार्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद। छंद के दो प्रकार के भेद होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। पहला देखते हैं मात्रिक छंद। तो जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे दोहा और चौपाई आदि। उदाहरण है मात्रिक छंद का दोहा और चौपाई, क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं। फिर दूसरा वार्णिक छंद। तो जिन छंदों में गणना का आधार, तो जिन
छंदों में गणना का आधार वर्ण होता है वे वार्णिक छंद कहलाते हैं। अब आपके सिलेबस में जो छंद हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला है दोहा छंद। तो दोहा छंद में चार चरण होते हैं। विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरणों में मात्राएं 13 और सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु का होना आवश्यक है। मतलब जो आखिरी जो अक्षर रहेगा वह लघु रहेगा, उसमें कोई मात्रा नहीं रहेगी। तो कैसा है दोहा? चार चरण होते हैं और विषम चरण मतलब पहला और तीसरा मात्राएं 13 और सम चरण दूसरा और चौथा इसमें 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधावी वर्णव रघुवर विमल जशु जो दायक फल चारी। क्या है? चार चरण होते हो गए, चार चरण, 1, 2, 3, 4 ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये हो गया तीसरा चरण और ये हो गया चौथा चरण। अब इसमें जो मात्राएं हैं पहले चरण में कितनी है? 13। ये आ गया, ये हो गई श्री बड़ी की मात्रा लगी है तो ये हो गया अपना गुरु हो गया, ये हो गया ये, फिर हो गया 1, 2, 3 ये सब लघु शब्द हैं, ये भी लघु है, ये गुरु है, दो मात्राएं ये लघु, फिर ये लघु, इनको जोड़ेंगे ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं थी? पहले और तीसरे में 13। फिर है दूसरे में जो सब है, दूसरे में कितनी है? 11। इसमें आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9, 10 और ये 11। इसमें बड़ी आपकी मात्रा ये हो गए 11। तो पहले और तीसरा, ये पहला और तीसरा इनमें कितनी मात्राएं होंगी? दोनों में 13 मात्राएं। दूसरा और चौथा इनमें कितनी हो गई? 11 मात्राएं हो गई। अब आगे देखते हैं चौपाई। यह सब मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण चार होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं। इसलिए इसको सम मात्रिक छंद बोला क्योंकि चार चरण हैं, सम संख्या है और मात्राएं भी 16 हैं, ये भी सम संख्या है। आपने संख्या पढ़ी होंगी गणित में, सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं? तुक प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरण की मिलती है यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। प्रत्येक चरण के अंत में होती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखम परम सुहाई फूले कांस सकल महिछाई जन वर्षा कृत प्रगट बढ़ाई। अब वर्षा ये हो गया 1, 2 शा बड़ा है आखिरी मात्रा तो 2 मात्राएं हो गई। विगत में 1 छोटी की मात्रा है क्योंकि शरद में भी 1, 2, 3 1, 2 ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फिर से बता रहे आपको ये हो जाती है। एक जब आप इसमें मात्राओं की गणना करेंगे तो ये 1 है और ये इसकी गणना होती है 2 में। लक्ष्मण देखम परम सुहाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
ये हो गई 16 मात्राएं। इसमें सारे छंद सब होते हैं, चार होते हैं जो सब मात्रिक छंद है, और मात्राएं भी 16 होती हैं। अब है कुंडलियां, परिभाषा देखते हैं कुंडलियां की। यह दोहा और रोला छंद के मेल से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम 2 चरण दोहे की तरह तथा अंतिम 4 चरण रोला की तरह होता है, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण ही तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। कुंडलियां में जो शब्द शुरू में होता है वही अंत में भी होता है। तो उदाहरण देखिए, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। अभी क्या देखा है अपन ने कि प्रथम 2 चरणों प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चंचल जल दिन बारी को थाउ न रहे तनिदा। ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हो गई। अब है ना उदाहरण, ये कुंडलियों का उदाहरण। अब है उल्लाला, यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 और 13 की यति पर कुल 28 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है उल्लाला में? कुल 13 और 15 की यति में 28 मात्राएं होती है। उदाहरण है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की। इसमें कितनी मात्राएं है? 13। गिनिए बलिहारी इस वेश की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें कुल हो गई 13 मात्राएं। और इसमें है 15, करते अभिषेक पयोद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये होगी 15 मात्रा। तो 15 और 13 कितनी हो गई? जोड़ेंगे अपन तो 28। कुल मात्राएं होती है कितनी उल्लाला में? 28 मात्राएं होती है। अब है गीतिका छंद, यह एक मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 और 14 की यति में 26 मात्राएं होती है, और प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होता है। कैसे होगी 26 मात्राएं? फिर से करेंगे, 14 × 12 = 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद में 26 मात्राएं। अब देखते हैं इन मात्राओं का उदाहरण में कि साधु भक्तों में सुयोगी। साधु हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 14। संयमी बढ़ने लगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 संयमी बढ़ने लगे ये हो गई 12। फिर से देखते हैं वेद मंत्रों की विवेकी मात्राएं गिनेंगे। वेद में तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मात्राएं ये हो गई। प्रेम से पढ़ने लगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से आपको बता दें ये मात्रा होती है ए लघु एक और दीर्घ का अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होती है। जब हम गणना करते हैं तो उसमें दो गणना होती है। अब है हरि गीति का छंद, यह भी एक सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक कैसा छंद है?
गीतिका छंद भी सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति के साथ 28 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के अंत में लघु या गुरु होता है। फिर से करेंगे, 16 धन 12 बराबर 28 मात्राएं होती हैं अधिगीतिका छंद में। अब इन मात्राओं का देखते हैं उदाहरण में कि वह इस स्नेह की मूर्ति दयामयी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये हो गई 16 मात्राएं। माता तुल्य मही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 और 12 की मात्राएं हो गई 28। हरि गीति का छंद में 28 मात्राएं होती है। अब है रोला। रोला की परिभाषा, इसके चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है। इसके अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं। कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में? 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं कैसी हो गई? 13 और 11 दोनों को मिला के 24 मात्राएं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से पल में विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो रोला में चार चरण हो गए। कौन कौन से चरण? एक ये हो गया जीती जाती हुई, फिर दूसरा हो गया निज बल से, तीसरा जिनके आगे ठहर सके, और चौथा ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। और इनमें क्या है? मात्राएं 11 और 13 की मात्राएं होती है और प्रायः 2 गुरु अंत में होते हैं। गुरु हो गया ये, इनमें 2 मात्रा जुड़ेंगी, ये सब क्या है? गुरु हो गए। ये रोला छंद की विशेषता होते हैं कि अंत में प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है? गुरु अवश्य होते हैं। तो ये क्या है? ये है गुरु। बच्चों ये यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में आसानी रहेगी।